जय हिंद दोस्तों, अवध विश्वविद्यालय बीएड सेकेंड ईयर पेपर 3 का सिलेबस देखेंगे तो फोर्थ यूनिट में आपको चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलेंगे। उनमें से एक है पीस एजुकेशन यानी कि शांति शिक्षा, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले देखेंगे इस वीडियो में क्या देखेंगे, पीस एजुकेशन शांति शिक्षा की अर्थ परिभाषा, इसका उद्देश्य और शांति शिक्षा के पाठ्यक्रम कैसे होते हैं। तो जो दोस्तों पहले बात करेंगे शांति शिक्षा के अर्थ के बारे में, तो नाम से ही आप ज्ञात कर सकते हैं शांति शिक्षा पीस एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, शांति और शिक्षा, पीस प्लस एजुकेशन। मतलब क्या हुआ इसका, एक ऐसे शिक्षण व्यवस्था, एक ऐसे शिक्षण प्रक्रिया जो पूरे संसार में शांति स्थापित करने की बात करती हो, जिसका मेन मकसद होता है पीस एस्टैब्लिश करना, शांति स्थापित करना। तो एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो आपस में प्रेम और सद्भाव से रहने की बात करती हो, वही असल में शांति शिक्षा है। अब आइए देखते हैं कि अगर एग्जाम्स में आता है शांति शिक्षा के बारे में तो आपको लिखना कैसे है। शांति शिक्षा का अर्थ आप लिख सकते हैं कि शांति शिक्षा क्या है, शांति शिक्षा स्वयं दूसरों और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ, मतलब खुद के साथ, दूसरों के साथ और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ सद्भाव में रहने के लिए मूल्यों, ज्ञान, दृष्टिकोण, कौशल और व्यवहार प्राप्त करने की प्रक्रिया है। क्या मतलब हुआ, पहले इंग्लिश में देख लेते हैं फिर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि पीस एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग, क्या एक्वायरिंग, वैल्यूज, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल्स एंड बिहेवियर टू लिव इन हार्मोनी विथ वननेस, अदर एंड द नेचुरल एनवायरमेंट। कहने का मतलब है खुद के साथ, दूसरों के साथ और पूरे समाज, प्राकृतिक वातावरण के साथ प्यार, सद्भाव और अच्छे से रहने की शिक्षण प्रक्रिया एक शांति शिक्षा कहलाती है। ये थोड़ा सा किताबी लैंग्वेज हो गया, आसान से शब्दों में समझ जाइए, क्योंकि मेरी वीडियो की खासियत होती है कि मैं हमेशा आसान से लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो आसान से भाषा में आप समझ जाइए कि पीस एजुकेशन होता क्या है, शांति शिक्षा क्या होता है। आसान से शब्दों में आप लिख सकते हैं कि शांति शिक्षा वह शिक्षा है जो शांति, प्रेम, सद्भाव, अहिंसा तथा न्यायप्रिय समाज का निर्माण करती है या न्यायप्रिय समाज की स्थापना करती है। मतलब ऐसे शिक्षा व्यवस्था जो प्रेम, सद्भाव, अहिंसा और न्यायप्रिय समाज की स्थापना करे। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, इन द सिंपल वर्ड, द पीस एजुकेशन इज दैट एजुकेशन विच बिल्ड्स पीस, लव, हार्मोनी, नॉन वायलेंट एंड जस्टिस, अ फेयरनेस सोसाइटी। तो ये हो गई शांति शिक्षा के अर्थ के बारे में, ठीक है, बिल्कुल आसान से शब्दों में। अब आइए बात करते हैं शांति शिक्षा की परिभाषा के बारे में, जो कि काफ़ी सिमिलर है, इसी से रिलेटेड है। तो डॉक्टर मर्सी अब्राहम ने क्या कहा था शांति शिक्षा के बारे में, उन्होंने कहा था कि शांति शिक्षा शांति प्रिय लोगों के लिए शिक्षा है। ऑब्वियस ही बात है, शांति शिक्षा किसके लिए होगी, जो शांति प्रिय, जिनको शांति पसंद होगी उनके लिए शिक्षा है, जो इस पृथ्वी पर शांति कायम करने के योग्य होंगे। यह विशेष भावनात्मक शिक्षा है या धार्मिक शिक्षा है, साथ ही साथ यह स्वयं में शिक्षा है, ये भाव की शिक्षा है, आपके अंदर वो भाव जगा दे कि यार किसी के साथ हिंसा करके कुछ मिलने वाला नहीं है। एग्जाम्पल मैं आपको दे दूँ, रूस और यूक्रेन के बीच में जो जंग हो रहा है, चाहे कोई देश जीते या चाहे कोई हारे, लेकिन याद रखिए दोनों देश की अर्थव्यवस्थाएं चौपट हो चुकी हैं, दोनों देशों की इकोनॉमिक्स बर्बाद हो चुकी है, महंगाई चरम सीमा पे है और बेरोजगारी का तो पूछ ही नहीं सकते। तो चाहे कोई देश जीते या चाहे कोई हारे, एक इंसानियत वहां पे हार जाती है, क्यों, इसीलिए शांति शिक्षा की ज़रूरत है, इसीलिए हिंसा कभी भी कोई फायदेमंद नहीं होता, इसीलिए शांति शिक्षा को प्रमोट किया जाता है। दूसरा डेफिनेशन देख लेते हैं, के एस बसवराज के अनुसार इन्होंने क्या कहा था, शांति शिक्षा एक कार्यक्रम व प्रक्रिया है जिससे लोगों, मतलब कौन से लोग, नव युवक तथा प्रौढ़ में शांति के मूल्यों की सराहना तथा समझदारी की भावना का विकास होता है, ठीक है। यह वह तैयारी है जिससे सामुदायिक जीवन को, सामुदायिक मतलब एक मिलजुल के जीने की जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। तो शांति शिक्षा के द्वारा क्या होता है, शांति शिक्षा के द्वारा एक सामुदायिक जीवन को न्यायप्रिय, व्यवस्थित तथा सामंजस्यपूर्ण बनाया जाता है। तो ये हो गई परिभाषा के बारे में। नेक्स्ट क्या टॉपिक आता है, नेक्स्ट क्या पॉइंट आता है कि शांति शिक्षा का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है शांति शिक्षा का, क्यों शांति शिक्षा रखा जाता है। तो बड़ा सिंपल, आप अपने शब्दों में लिखिएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कोशिश की है। प्रोफेसर के एस बसवराज ने शांति शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए, जैसे कि नवयुवकों में शांति के आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना, नौजवान पीढ़ी में, ठीक है, नौजवान काफ़ी ज़्यादा उत्साहित होते हैं तो उनके अंदर शांति के आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना,
जिससे उनमें आंतरिक शांति या मन की शांति प्राप्त हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा गुस्से से ना हो। शांति प्रिय मानव के प्रति सकारात्मक दृष्टि विकसित कर बहुत ज़रूरी है। मानव के प्रति आप पॉजिटिव एक थॉट रखें। मानव जीवन में शांति को मूल्यों को समझा जाए उसकी सराहना के लिए छात्र तत्पर रहें और बच्चों में उपयुक्त एवं अनुपयुक्त न्याय और अन्याय के विषय में जागरूकता विकसित हो। क्या सही है, क्या गलत है, क्या न्यायपूर्ण है, क्या अन्यायपूर्ण है, इन चीज़ों की जानकारी छात्रों के अंदर हो। अब देखिए, छात्रों में अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना तथा भ्रातृत्व का विकास उत्पन्न हो, शांति, इसलिए शांति शिक्षा रखा गया है। ये शांति शिक्षा का उद्देश्य है। और देखिए, मेन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि शांति शिक्षा से क्या होता है कि हम सबको एहसास हो। किस चीज़ का एहसास हो? कि युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणामों से, युद्ध होता है तो कितना नुकसान होता है, किसी भी देश का भी हो, किसी का भी हो, नुकसान होता है, उसके जानकारी रहे। तो युद्ध, हिंसा, संघर्ष आदि के परिणाम से अवगत कराना, जिससे वह उनसे बचने के लिए कदम उठाने में समर्थ हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, छात्रों को परिवार, देश तथा विश्व में शांति कायम रखने की भूमिका के प्रति जागरूक बनाया जाए। तो ये हो गया शांति शिक्षा के उद्देश्य, ये हो गया शांति शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट वीडियो को ख़त्म करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना है यहाँ पे। तो इस वीडियो को ख़त्म करेंगे कि टॉपिक के साथ कि शांति शिक्षा में पाठ्यक्रम कैसे होना चाहिए, करिकुलम कैसे होना चाहिए। तो प्रोफेसर के एम साइमंस ने विद्यालय के विभिन्न स्तरों के लिए शांति शिक्षा पाठ्यक्रम के इस प्रकार निर्धारित किए हैं। क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किए हैं? पहले आप प्राथमिक स्तर की बात करें, प्राइमरी लेवल पे, तो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को आप शांति शिक्षा कैसे बताएंगे? उन्हें जीवन के नैतिक मूल्यों से संबंधित कहानियाँ और कविताएँ तथा नाटक दिखाकर उनको कहानियाँ बताएंगे कि आप अगर दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो वो कहीं ना कहीं आप उसमें गिर जाते हैं। मतलब ऐसी कोई कहानी बताई जाए कि बच्चों के अंदर शांति भावना स्थापित हो, अहिंसा की भावना स्थापित हो और वो दूसरों से लड़ाई झगड़े से बचे। ठीक है, विभिन्न धर्मों, क्षेत्रों तथा सांस्कृतिक से संबंधित कहानियाँ बताकर, ठीक है, तो ऐसे हम शांति शिक्षा बता सकते हैं प्राइमरी स्तर पर। और जूनियर स्तर पर कैसे हम अपने पाठ्यक्रम में, करिकुलम में शांति शिक्षा ला सकते हैं? तो जैसे कि जो महान लोग हुए, जैसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर, कार्ल मार्क्स, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा, जीसस क्राइस्ट, गौतम बुद्ध, इनकी जीवनियाँ तथा शांति स्थापित करने में इनकी जीवनियाँ बताएं कि इन्होंने कैसे शांति का अपना आदर्श माना, शांति और अहिंसा के मार्ग चलकर अपना जीवन व्यतीत करते हुए पूरे राष्ट्र में अपना लोहा मनवाया, पूरे राष्ट्र के का दिल जीता, पूरे राष्ट्र में अपनी एक अलग छवि रखी। तो हम जूनियर स्तर पर इनकी कहानियाँ, और ख़ास तौर पे जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सभी लोगों को एक दूसरे के धर्म के प्रति ज्ञान दे के, ईसाई धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म तथा बुद्ध धर्म की विश्व शांति की स्थापना में भूमिका। तो हम ये सारी चीज़ें बताकर पाठ्यक्रम में हम क्या कर सकते हैं, हम बच्चों के अंदर शांति की भावना स्थापित कर सकते हैं। हाई स्कूल स्तर की बात करें तो शांति की अवधारणा बताएं कि शांति होता क्या है, शांति की आवश्यकता, महत्व क्या है, परिवार, समाज, विश्व में शांति कायम करने के लिए क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, रेडॉक्स, स्काउट एवं गाइड आंदोलन, अंतर्राष्ट्रीय संधियां, विश्व शांति में विभिन्न दर्शनों की भूमिका, इस तरह से हम शांति शिक्षा के बारे में पढ़ा सकते हैं, शांति शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में रख सकते हैं। और युद्ध एवं अहिंसा, सॉरी, युद्ध एवं हिंसा के कारण एवं उनके परिणामों की समालोचना, जब हम, क्योंकि हाई स्कूल स्तर पर बच्चे थोड़े से समझदार हो जाते हैं तो उनको इस तरह से डिस्कस करेंगे, इस तो वो शांति शिक्षा को अच्छे से समझ पाएंगे और इस प्रकार से शांति शिक्षा को अपने पाठ्यक्रम में रखा जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है शांति शिक्षा के बारे में, तो आसान से शब्दों में आप लिख सकते हैं कि शांति शिक्षा की अर्थ क्या होती है, परिभाषा क्या होता है, इनके उद्देश्य और पाठ्यक्रम में कैसे शांति शिक्षा को शामिल किया जा सकता है। मेरी तरफ से एक छोटी सी कोशिश थी कि मैं आपको ये टॉपिक क्लियर करूँ, समझाऊँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप कमेंट में अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिए कि मेरे द्वारा बताई गई आपको जानकारी कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊंगा। और हाँ, आप प्लीज़ अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त भी इस चैनल से जुड़ जाएं और हम सब मिलकर साथ में पढ़ें और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करें। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। मिलेंगे अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक आप सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, खुद से पढ़ाई ज़रूर करिए और वीडियो और चैनल से जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।